भी इन शादी हो गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार करके थाने ले जा गया, एक नहीं 1000 बार गिरफ्तार कीजिए और जितने मुकदमे आप कर सकते हैं लगाइए, जितनी धाराएं आप लगा सकते हैं लगाइए, लेकिन अंबेडकर वादियों ने झुकना नहीं सीखा। मुझे वापस होटल लाया गया मेरे साथियों को, और होटल लाने के साथ साथ जो है पूरे होटल की घेराबंदी की है, मेरे कमरे से बाहर सब चीजों की घेराबंदी की गई है, एक एक चीज पे नजर की जा रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी संगठनों का, फूले अंबेडकर विचारधारा के, जितने भी पूरे देश से जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने समर्थन करके एक दबाव बनाया सरकार पे, जिनकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ने का काम किया, और पूरी भीम आर्मी की राष्ट्रीय कमेटी का, पूरी भीम आर्मी की टीम का, पूरे जो देश में काम कर रही है, पूरी महाराष्ट्र की टीम का, सभी प्रदेशों की टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने इतना दबाव बनाया कि इनको मुझे 1 घंटे के अंदर रिहा करना पड़ा। लेकिन अभी भी हमारे 4 साथियों को इन्होंने पकड़ा हुआ है, जिसमें भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ भी 3 साथी हैं, और एक मैसेज मुझे उनका मिला है, अभी उनका मैसेज ये मिला है कि उनकी जान को खतरा है। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में बता देना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार को, फडणवीस सरकार जो है, अगर भीम आर्मी के कार्यकर्ता को हवा भी लगी तो इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा, जिस सरकार के दम पे आप लोगों ने किया है ना। मैं बिल्कुल मैं जानता हूं ये कहां से चल रहा है, मैं जानता हूं ये बात दिल्ली कुर्सी चल रहा है, मोदी जी जो करवा रहे हैं ना, क्या हम नहीं समझ रहे हैं? बाबा साहब के बच्चों को यहां रोका जा रहा है, ये किसके सहारे पे चल रहा है मैं जानता हूं। तुमने मुझे हमारी पावन भूमि चैत्य भूमि से, बाबा साहब की समाधि से तुमने जो है मुझे अरेस्ट कराया, तुम्हें इसका जवाब मैं, तुमने सरकार के दम पे कराया ना, ये तुमने सरकार की ताकत से कराया ना, तो तुमने शुरुआत तो तुमने की है, इसका अंत भीम आर्मी करेगी, इसका अंत भीम आर्मी करेगी, और हम तुम्हें बताएंगे कि किस तरह सरकार के दम पे संविधान को तहस नहस किया जाता, संविधान को तोड़ा जाता, संविधान के खिलाफ काम किया जाता, किस तरह तुमने जो मनुस्मृति इस प्रदेश में लागू किए ना मेरे हमारे कार्यकर्ताओं को, मैं एक एक कार्यकर्ता के साथ पूरी भीम आर्मी खड़ी है, भीम आर्मी प्रमुख खड़ा है। अगर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को, उनके साथियों को रिहा नहीं किया गया तो मैं आंदोलन करूंगा, और मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा। तुम होटल वो करोगे, तुम सब चीजें करो, मैं होटल में ही धरने बैठूंगा। अगर एक भी हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को रिहा नहीं किया गया तो मैं आंदोलन करूंगा, और मैं तब तक ये महाराष्ट्र नहीं छोड़ूंगा जब तक हमारे साथी हमारे बीच नहीं आते। लेकिन ये याद रखना, सरकार के दम पे तुमने शुरुआत की है, भीम आर्मी डरने और दबने वाली मूवमेंट नहीं है, ये बहुजनों की मूवमेंट है, और ये ईमानदार मूवमेंट है जिसने 1 घंटे में तुम्हें पूरे देश से हिला दिया। तो मुझे अरेस्ट करना चाहते तो बड़ी धमकियां दे रहे थे ना, बंद कर देंगे, रस्ते लगा देंगे, गालियां दे रहे थे ना, तो 1 घंटे में तुम्हारे चूल हिल गए, तुम्हें जवाब देना भारी हो गया, तुम्हें मुझे वापस होटल में लाके बंद करना पड़ा। मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, तुम जेल भेज दो, तुम फांसी चढ़ा दो, लेकिन बाबा साहब के बच्चों ने झुकना नहीं सीखा। मैंने वहां भी कहा था सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो याद रखना तुमने जो किया है ना उसको सूद समेत वापिस भीम आर्मी प्रमुख और पूरी भीम आर्मी की टीम तुम्हें करेगी। और अगर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता तुम रैली रोकोगे, तुमने जो काला कानून यहां लागू किया है ना, संवैधानिक दायरे में आर्टिकल 19 के तहत हमें अपनी सभा करने का अधिकार है, व्यक्ति आजादी, तुमने जिस तरह से सुबह से मेरे साथ यहां बर्ताव किया है, भीम आर्मी की जो टीम यहां आई उनका बर्ताव किया, जिस तरह से हमारी माता बहनों को उठाने काम किया, गाड़ी में डालने काम किया, तुम्हें एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। तुमने सरकार के दम पे किया है ना, तुम सरकार के दम पे इतरा रहे हो ना, तुम सरकार के दम पे अपने आप को ताकतवर समझ रहे हो ना, ये सरकारी कुर्सी तुमसे छीन लूंगा मैं, आज वादा कर रहा हूं। बाबा साहब का बच्चा, बाबा साहब की जमीन पे, इस क्रांतिकारी जमीन पे जहां से बाबा साहब ने हमें लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, उस जमीन से, फूले साहब की जमीन से, साहू जी महाराज की जमीन से, तुमने जो किया है ना, इसका अंजाम तुम्हें इसी धरती से, वादा कर रहा हूं कि पहले तुम्हारा यहां से सफाया करेंगे और फिर पूरे देश से तुम्हारा सफाया करेंगे, और मैं दिखाता हूं तुम्हें कि तुम इस बार किस तरह सरकार बनाते। तुम्हारी सरकार में भीम आर्मी का बच्चा बच्चा, आज जो तुमने किया उसके बाद, हम पहले से भी तुम्हारी नीतियों के विरुद्ध थे, लेकिन आज जो तुमने किया, भीम आर्मी का बच्चा बच्चा तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम तुमने जो आज ये किया ना, इसके बाद करेगा, और भीम आर्मी का बच्चा बच्चा भाजपा की सत्ता को उखाड़ने का काम करेगा,
और मैं चैलेंज करता हूं फडणवीस को भी और मोदी को भी, सब मिलकर जोर लगाओ, तुम मुझे यहीं से होटल में मरवा दो। लेकिन अगर एक भी कार्यकर्ता को भी, मेरे के एक भी कार्यकर्ता को हवा भी लगी, लाठी तो बहुत दूर की बात है, मैं तब भी तुमसे लड़ रहा जब तुम्हारे कार्यकर्ता को उठा रहे थे, तब जब बदतमीजी कर रहे थे, मैं तब भी तुमसे लड़ रहा था, अब भी तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। अगर एक भी कार्यकर्ता को लाठी लगी या तुमने कोई अमान्य कार्य किया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब भी मैं आर्मी को, अगर जैसे भी वो आती रहेगी, मैं पूरी रात आप लोग साथ हूं, मैं यहीं धरने बैठूंगा। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी वापस नहीं आते, उनको रिहा नहीं किया जाता, उनकी टीम को नहीं छोड़ा जाता, तो भीम आर्मी प्रमुख भी यहां चैन से नहीं बैठेगा। मैं अपनी पूरी टीम के साथ खड़ा हूं, पूरी भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है, और हम हिसाब लेंगे जो आपने किया ना, इसका जवाब देंगे आपको। आपकी दिल्ली कुर्सी भी छीनेंगे, आपकी महाराष्ट्र कुर्सी भी छीनेंगे, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहां लोग आप कुर्सी में बैठे हो, इनका दुरुपयोग कर रहे हो, संविधान को तोड़ के, संविधान को ताक पे रख के तुम लोगों ने जो मनुस्मृति लागू की है, इसे हटाने का भीम आर्मी करेंगे। जय भीम।